हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महामाया सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अच्छी वैकेंसी आई है आपकी इंडियन आर्मी में, किस पोस्ट पे? तो टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्सेज पे आपका आया है, 133 रिक्रूटमेंट आया है 2021 का। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो 40 पोस्ट है टोटल। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें ना, तो एप्लीकेशन फी कितना लग रहा है, जनरल ओबीसी को भी 0 रुपया लग रहा है और साथ ही साथ एससी एसटी को भी 0 रुपया लगेगा फॉर्म को भरने में, बिल्कुल। और एज लिमिट की अगर बात करें तो देखिए, एज लिमिट जो है ना, मिनिमम एज आपका 20 साल और मैक्सिमम आपके 27 साल होने चाहिए। कैंडिडेट नॉट बी बॉर्न बिफोर 2 जुलाई 1994, इसके पहले नहीं बॉर्न होनी चाहिए, और कैंडिडेट नॉट बॉर्न आफ्टर 1 जुलाई 2001, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्या मांग रहा है, ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट आर एलिजिबल, वही स्टूडेंट भर सकते हैं ना जो कि अनमैरिड है, अविवाहित है, पास्ड और अपियरिंग इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड ब्रांच, वो भर सकते हैं। फाइनल ईयर अपियरिंग कैंडिडेट आर ऑल्सो एलिजिबल, जो फाइनल ईयर है ना वो भी कैंडिडेट भर सकते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट क्या है, एप्लीकेशन जो भराना स्टार्ट हो रहा है 25 फरवरी 2021 से, लास्ट डेट 26 मार्च 2021 है, और लास्ट डेट फॉर कंप्लीट फॉर्म फिलअप क्या है, 26 मार्च 2021। वैकेंसी डिटेल का अगर बात करें तो इंजीनियरिंग स्ट्रीम का अगर देखें, सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी का नंबर ऑफ पोस्ट अगर बात करें तो 11 है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन्फोटेक एमएससी कंप्यूटर साइंस 12 पोस्ट, मैकेनिकल का 3 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका 4 पोस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम्युनिकेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन का 3 पोस्ट, एरोनॉटिकल एरोस्पेस एवियोनिक्स का 3 पोस्ट, ऑटोमोबाइल का 1 पोस्ट, टेक्सटाइल में आपके 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के 1 पोस्ट है, फिर टेलीकॉम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के 1 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ना, ये सब आपका पोस्ट था 40 पोस्ट है, थ्रू द शॉर्ट लिस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस एंड सेंट्रल अलॉटमेंट होता है। सेकंड स्टेज जो सिलेक्शन होगा ना आपका, इंटरव्यू बेसिस पे होगा, फिर उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा, और फिर ज्वाइनिंग लेटर आपको दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सब प्रोसेस है जिसमें आपका सिलेक्शन होगा आपके ज्वाइन इंडियन आर्मी के टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के लिए। तो अगर आपके पास ये सब में से कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो इस फॉर्म को जरूर भरिए, बिल्कुल भरना है आपका। अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री लिया है तो इस फॉर्म को जरूर भरना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें मोटिवेट करने के लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए डेली बेसिस पर लाता रहूँ। धन्यवाद।